जय हिंद। मेरा नाम है अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं AR Unbox। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Xiaomi Mi A3 के मई मंथ के अपडेट के बारे में। जैसा कि हमने पिछली कुछ वीडियो में आपको बता दिया कि Mi A3 में मई मंथ का अपडेट आ गया है, हमने उसके कुछ फीचर्स भी बता दिए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि Mi A3 के मई मंथ में आपको कौन से बग फिक्स हुए हैं और आपको कौन से नए बग्स देखने को मिलते हैं। जो बग फिक्स हुए हम आपको उनके भी बारे में बताएंगे और जो नए बग्स आए हैं उनको कैसे फिक्स करना है हम आपको ये भी बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को आरंभ करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए AR Unbox चैनल को, उसके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक सवाल है, ऊपर आई बटन में हम आपको एक पोल दे रहे हैं जिसमें आप लोग ये बताइएगा कि आपको क्या अभी तक एंड्रॉइड 10 का अपडेट मिला कि नहीं मिला। आप लोग पोल में पार्टिसिपेट करके अपना आंसर जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि Mi A3 में आपको कौन कौन से नए बग्स देखने को मिलते हैं। वो जो कि है Mi A3 में कैमरा बग। जैसा कि आप लोग को पता होगा Mi A3 की कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से एंड्रॉइड 10 का अपडेट आने लगा Mi A3 में कैमरा की क्वालिटी डिक्रीज होती चली गई, तब अभी तक Mi A3 ने उसको फिक्स नहीं किया। स्पेशली अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो Mi A3 में अभी भी आपको फ्रंट कैमरा में बहुत सारे बग्स देखने को मिलते हैं और मेन वो बग्स है कैमरा इशू। यहाँ पे आपको फोटो की अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है, तो ये बग्स है जो अभी तक फिक्स नहीं किया गया। आई होप आने वाले अपडेट में इस बग्स को फिक्स कर दिया जाए। तो बात करते हैं तो दोस्तों, वो है बैटरी ड्रेनिंग का। Mi A3 में बैटरी बैकअप काफी अच्छा था एंड्रॉइड 9 तक, लेकिन जब से अपडेट आना शुरू हुआ है फरवरी मार्च से, Mi A3 में बैटरी ड्रेनिंग की प्रॉब्लम बहुत हो गई। बैटरी 6 घंटे 7 घंटे से ज्यादा चलता नहीं है। अगर इस अपडेट के बाद हम आपको दिखाएं तो हमने 94% तक बैटरी को चार्ज किया था, उसके बाद 94% से 31% आने तक में 8 घंटे का टाइम लगा। उस 8 घंटे में हमने 6 घंटे को लगातार फोन को यूज कर रहा इसी टेस्टिंग के लिए। तो इस बार हम इसके अपडेट में कह सकते हैं कि Mi A3 की बैटरी ड्रेनिंग में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज आया है, थोड़ा सा बैटरी बैकअप बूस्ट हुआ है। अभी भी उतना बैटरी बैकअप नहीं आ रहा है जितना पहले आता था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चेंज आया है, क्योंकि 90% से 30% आने में 8 घंटे लगे, वो भी लगातार 6 घंटे फोन यूज करने में। इस हिसाब से 12 घंटे का बैकअप मिल सकता है बैक टू बैक। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि बैटरी प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व हुई है। दोस्तों, इस मई मंथ के अपडेट में एक मेजर इशू है, आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, अगर हम वो इशू है ब्राइटनेस के बारे में। ब्राइटनेस को अगर आप डिस्प्ले से सेटिंग में जाके अगर आप एडाप्टिव ब्राइटनेस को ऑन करते हैं, यानी ऑटो ब्राइटनेस को ऑन करते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है कि ये ब्राइटनेस अपने आप आपके लाइट के हिसाब से एडजस्ट करेगा। लेकिन कभी कभी बीच में क्या हो रहा है, जैसा कि हमने एक्सपीरियंस किया और हमारे एक सब्सक्राइबर ने भी कमेंट किया, उन्होंने बताया तो हमने भी बाद में एक्सपीरियंस किया, वो ऐसा रहा है कि ये ब्राइटनेस आप फुल रखोगे ऑटो ब्राइटनेस पे, ये ब्राइटनेस का लेवल फुल रहेगा, लेकिन अपने आप आपके फोन का ब्राइटनेस कम हो जाता है बार बार। तो ये इशू देखने को मिल रहा है Mi A3 में ये ऑटो ब्राइटनेस पे। तो आई होप अगर आप लोगों को भी ऐसा दिख रहा हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मई मंथ के अपडेट के बाद एक मेजर बग आया है जो कि कुछ यूजर को मिला है, जिनमें से हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमको अपना वीडियो भी रिकॉर्ड करके भेजा। उसमें हो क्या रहा है कि उनके रिंगटोन में प्रॉब्लम आ गई, जब भी उनको फोन कॉल आती है तो उनका रिंगटोन रिंग नहीं कर रहा। जैसा कि आप लोग वीडियो में भी देख पा रहे हैं, जब रिंगटोन को सिलेक्ट करने जाते हैं वहां पे अननोन का ऑप्शन आता है, तो वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा बग देखने को मिल रहा है तो इसका एक ही प्रोसेस है, आप इसको फिक्स करने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन को हार्ड रिसेट करना होगा और सबसे पहले आपको अपने डाटा का बैकअप ले लेना होगा। हार्ड रिसेट कैसे करना है उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इस अपने फोन को हार्ड रिसेट करके इसको सही कर सकते हैं। अभी तो हमने बात की Mi A3 में कौन कौन से नए बग एक्सपीरियंस हो रहे हैं, इसके अलावा भी अगर आपको कोई नया बग देखने को मिल रहा है तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा। अब हम बात करते हैं कि Mi A3 में इस मंथ के अपडेट के बाद क्या चेंजेज हुए हैं, यानी जो बग पहले थे वो कुछ हद तक फिक्स किए गए हैं। सबसे पहले बग की बात करें तो वो था फोन हीटिंग और फोन का चार्जिंग का ज्यादा टाइम लगना। तो मैं आपको बता दें कि हमने 3 दिनों हो गया Mi A3 को अपडेट किए हुए, फोन में अभी तक हीटिंग का इशू नहीं आया, हमने इसको काफी यूज किया। उसके साथ अगर हम चार्जिंग टाइम की बात करें तो पहले 2.5 घंटे चार्ज होने में लगता था नॉर्मल चार्जर के साथ, लेकिन अभी वो टाइम 2 घंटे से भी कम हो गया है, 2 घंटे 45 मिनट 50 मिनट में ये फोन फुल चार्ज हो जा रहा है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इसकी चार्जिंग टाइम और हीटिंग इशू को फिक्स कर दिया गया है। दोस्तों, Mi A3 में अप्रैल मंथ के अपडेट के बाद एक इशू आ गया था, वो था वाईफाई का। आप अपने फोन को कभी भी वाईफाई से कनेक्ट करिए तो क्या होता था कि वाईफाई से कनेक्ट रहते हुए भी फोन थोड़ी देर बाद डिसकनेक्ट हो जाता था, फिर कनेक्ट होता था, वो भी काफी हद तक इसमें फिक्स हो गया है। हमको अभी पिछले 3-4 दिनों से जितना हमने वाईफाई पे यूज किया, आप लोग को मैं बताऊं तो यहां पे बहुत हद तक फोन डिसकनेक्ट नहीं हुआ। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि इस चीज को भी सॉल्व किया गया, नहीं तो पहले हर 5-10 मिनट बाद आपका फोन वाईफाई से डिसकनेक्ट हो जाता था। और मई मंथ के अपडेट के बाद जितना अभी तक हमने 2-3 दिन तक
फोन यूज किया वो ऐप क्रैश और ऐप लैग को भी थोड़ा सा फिक्स किया गया है। पहले बहुत सारे ऐप क्रैश हो जाते थे, फोन चलते चलते ऐप क्रैश हो जाते थे, नॉट रिस्पॉन्डिंग आता था, लेकिन अभी लास्ट पिछले 3 दिनों में स्पेशली मे मंथ के अपडेट के बाद ये चीजें सामने निकल के नहीं आ रही है और ऐप लैगिंग भी थोड़ा सा इशू कम हो गया। नहीं तो पहले ऐप बहुत ज्यादा लैग करता था, आपके टच करने या ओपन करने के बाद थोड़ा सा टाइम के बाद वो ओपन होता था, लेकिन अभी ये भी सारी चीजें फिक्स हो गई हैं। ये 3 में और एक मेजर प्रॉब्लम थी वो था फिंगरप्रिंट इशू, जो कि बहुत सारे लोगों में सो नहीं होता था। इसमें मैं आपको बता दें तो फिंगरप्रिंट इशू जिनमें था उन्हें फिक्स हो गया है। उसके साथ ही साथ फिंगरप्रिंट थोड़ा सा फास्ट हो गया है पहले के कंपैरिजन, स्पेशली लास्ट मंथ की। जब अप्रैल मंथ का अपडेट आया था तो फिंगरप्रिंट काफी स्लो था, लेकिन अभी आप लोग देखेंगे फिंगरप्रिंट की स्पीड काफी अच्छी हो गई है। उसके साथ ही यहाँ पे फेस लॉक की भी स्पीड काफी अच्छी हो गई है। जैसा कि आप लोग देखेंगे अभी इतनी डिस्टेंस से भी फोन तुरंत अनलॉक हो जाता है, तो हम कह सकते हैं फेस अनलॉक की भी स्पीड काफी अच्छी हो गई है स्पेशली मई मंथ के अपडेट के बाद। तो इस अपडेट के बाद थोड़ा सा कैमरे में भी चेंज हुआ है, वो है कैमरे की शटर स्पीड। पहले क्या होता था कि आपको कैमरे में बहुत लैग देखने को मिलता था फोटो क्लिक करने के बाद, लेकिन आपको अभी शटर स्पीड काफी अच्छी मिल जाती है, चाहे वो आप फ्रंट कैमरे से फोटो क्लिक करें चाहे आप बैक कैमरे से फोटो क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको कैमरे में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी जो भी इम्प्रूवमेंट है वो होना बाकी है क्योंकि कैमरे की क्वालिटी काफी कम हो गई है। तो कुछ यही चीजें थी, कुछ यही बग्स थे जो नए आए हैं और कुछ ऐसे बग्स जिनको हमने आपको बताया जो फिक्स हुए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी बग्स आता है आप हमको कमेंट करके बताइएगा, हम आपको अगर उसका सॉल्यूशन हो सकता है तो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पर कमेंट करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करिएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।